तो गाइज़ आज हम लोग जा रहे हैं बागा बीच पे और बागा बीच पे हम लोग देखने वाले हैं कि क्लबिंग का सीन क्या है टीटोज़ लेन में, जहाँ पे मेजर पार्टी सीन्स होते हैं। तो हम लोग अभी एक काम करेंगे। वैसे तो आज फ्राइडे नाइट है, ज़्यादा क्राउड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सैटरडे संडे क्या थोड़ा क्राउड अच्छा होता है, हैपनिंग होता है, कपल्स वगैरह भी बहुत सारे होते हैं। तो वो टाइम पे अगर आप जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा एम्बियंस मिलेगा। म्यूज़िक भी वो टाइम पे ज़्यादा पैसे देके अच्छे वाले डीजेज़ को बुलाते हैं, तो वो भी आपको बहुत जगह पर थोड़ा अच्छा वाइब मिलेगा। तो आज जो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि भाई हर एक क्लब का एंट्री चार्जेस और क्या कैसे होने वाला है। तो भाई फाइनली हम लोग टीटोज़ लेन में आ गए हैं और बाइक पार्किंग कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं जब भी लास्ट टाइम आया था उसके बाद से अभी कम से कम पकड़ लो 5-6 नए क्लब यहाँ पे ओपन हो गए। तो जाके देखते हैं क्या रेट्स वगैरह है और कैसा एंट्री है और एम्बियंस भी कैसा है। तो पहला अपना जो डेस्टिनेशन था वो था पिंक एलिफेंट। तो यहाँ पर तकरीबन 1000 रुपीज़ एंट्री फ़ी है और उसमें 900 रुपीज़ कवर चार्ज है, लेकिन ये सिर्फ टैक्स के लिए। तो यहाँ पे कपल एंट्री वगैरह ऐसे कुछ अलग नहीं है। अगर लड़का होगा तो 900 रुपये चार्ज है, लड़की होगी तो फ्री एंट्री है। तो हमारे ऐसे ही होता है। तो अभी सेकंड जो गए थे हम लोग डाउनटाउन में। डाउनटाउन का है मतलब पहले का जो द केप टाउन गोवा करके था यहाँ पर, तो वो अभी बंद हो गया, उसके बदले डाउनटाउन आ गया है। तो यहाँ पे आपको तकरीबन 1000 रुपीज़ एंट्री फ़ी है, अगेन ओनली फॉर गाइज, एंड 1000 रुपीज़ कवर चार्ज। आई वुड प्रीफर पिंक एलिफेंट के ऊपर, थोड़ा क्राउड ज़रा अच्छा आता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग गए हेविज़ा में, जहाँ पे 1000 रुपीज़ एंट्री था फॉर कपल एंड स्टैग एज वेल। वहाँ पे लेकिन एक और चीज़ था, एक शॉर्ट्स लड़कियों के लिए फ्री था। वैसे इसके लिए यहाँ पे मिलता है, अपने को तो कुछ नहीं मिलता। उसके बाद था TWG, जो पहले कामाकी करके हुआ करता था नाम से, अभी वहाँ पर ब्रांड चेंज हो गया, बट वो रिनोवेशन के लिए बंद है, तो पता नहीं क्या हो गया सीन वहाँ पे। वैसे वहाँ पे स्कैम भी बहुत सारे होते थे ऐसे सुना था मैंने। तो जहाँ तक हम लोग गए थे वहाँ पे पहला तो था फिर माया में कम से कम 1000 रुपीज़ कपल के लिए है, 1500 रुपये स्टैग एंट्री। और उसमें भी आपको कैसा है कि ड्रिंक्स और इस पर कवर मिलता है खाने पे। उसके बाद कॉकटेल्स एंड ड्रिंक्स था, वहाँ पे वो लोग ने शूट तो नहीं करने दिया हमें, लेकिन वहाँ पर कैसा है एंट्री तो था नहीं और लोग भी कोई नहीं थे, बेसिकली पूरा खाली पड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोग गए कोया और उसके आगे गया था टीटोज़। तो कोया में जो था 1000 रुपीज़ एंट्री फ़ीस था, 1500 टोटल स्टैग एंट्री था। अगर कपल के साथ में कोई स्टैग एंट्री कर रहा है तो वो लोग थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं और अराउंड 1000 रुपीज़ में स्टैग को भी एंट्री वहाँ पे मिल सकता है। वहाँ पे अभी फ़िलहाल आज क्राउड बहुत ज़्यादा कम है, तो जो मेन जो यहाँ के प्लेसेस है वहाँ पर ही आपको थोड़ा गर्दी मिलेगा, बाकी सब जगह खाली पड़े हुए हैं। उसके बाद जो मेन यहाँ के हॉट स्पॉट्स है उसमें से सबसे बड़ा जो है दैट इज़ टीटोज़, वो चालू हो जाता है एरिया। टीटोज़ के बहुत सारे जगह यहाँ पे है, 4-5 प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। उसमें फर्स्ट था जो था टीटोज़ क्लब। टीटोज़ क्लब में आपको सबसे महंगा था यहाँ पे 1500 रुपये एंट्री फॉर अ कपल, दैट टू कवर सिर्फ ड्रिंक पे मिलेगा आपको, ज़्यादा कुछ कवर मिलेगा नहीं। और अगर आप स्टैग आ रहे हो तो स्टैग के लिए सिर्फ आपको 2000 रुपये कवर एंट्री फ़ी देना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको कवर मिल जाएगा पूरा, लेकिन सिर्फ ड्रिंक्स में कवर मिलेगा। बाद का जो था वो था रिकीज़, वो भी टीटोज़ का ही है, टीटोज़ क्लब ओनर का ही है। तो वहाँ पे जो आप अगर जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सस्ता हो जाता है, 1000 रुपीज़ कपल एंट्री एंड 1500 रुपीज़ स्टैग, दैट टू ड्रिंक्स कवर। अभी जो भी मैं बताने वाला हूँ टीटोज़ के जो भी है वो सारों का वही है, 1000 रुपीज़ एंट्री एंड 1500 स्टैग, दैट इज़ रिकीज़, दैन टीटोज़ अरेना। और टीटोज़ अरेना के बाद में मैम्बोज़ में भी सेम थीम है, लेकिन मैम्बोज़ मेरे को थोड़ा ज़्यादा हैपनिंग लगता है यहाँ पे। सबसे हैपनिंग जो है बागा पे अगर आप आओगे टीटोज़ लेन में तो आई फील फॉर कपल्स मैम्बोज़ ज़्यादा बेटर है। तो बेसिकली ये सब जो क्लब्स वगैरह है ये 11 के बाद में आपको थोड़ा हैपनिंग दिखेगा। अभी तो 10:30 बजे है, क्योंकि बीच वाले जो शैक्स होते हैं वो ज़्यादा हैपनिंग होते हैं 10 बजे तक। 10 बजे म्यूज़िक बंद करना पड़ता है उनको, तो इसके बाद सब जो क्राउड होता है वो शिफ्ट होता है अंदर के क्लब्स में। तो अगर आप पहले आ रहे हो और शाम से आपको डांस वांस करना है तो इट्स प्रेफरेबल कि आप यहाँ पे शैक पे आ जाओ। शैक पे आपको सस्ती दारू मिलेगी, सस्ती दारू पी के यहाँ पे बैठ जाओ, एंजॉय करो। और जैसे ही 10 बज जाएंगे म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा, खाना वाना खा के आप 11 बजे तक क्लब्स में जा सकते हो। यहाँ पे म्यूज़िक रहता है तो यहाँ पे बहुत पब्लिक डांस करता है, बहुत सारे शैक्स पे सिर्फ लड़के होते हैं, यहाँ कहीं कहीं पे कपल्स वगैरह होते हैं। जैसे साइड चेक है वहाँ पर आप जा सकते हो। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।